हीरो हमारे साथ वरिष्ठ लेखक कृषक जी हैं, और हम लोग का सौभाग्य है कि अभी जंतर मंतर पे आज वो भी आए हुए हैं। उनको भी चिंता है समाज को लेके कि भारत का समाज कहाँ पे जा रहा है, क्या आधुनिकीकरण जो हो रहा है उसमें लोग भूल जा रहे हैं, और महिलाओं के लिए जो अत्याचार हो रहा है। अभी आप जैसे जान रहे हैं कि आज जंतर मंतर पे स्वाति मालीवाल प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं, और एक महिला जो है प्रियंका रेड्डी जी जो डॉक्टर थी, उनका जो है कुछ लोगों ने उनको हर्ट करा और उनको फिर आखिर में उनको जलाया गया, तो उसको लेके प्रदर्शन हो रहा है। अभी जानना चाहेंगे हमारे बुजुर्ग जो हैं उनसे इसके बारे में। सर देखिए, जो घट रहा है ये जो व्यवस्था की जो बीमारियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं लगातार, ये उसका ही एक हिस्सा है। स्त्रियां चूंकि हमारे समाज में हजारों साल से एक कमज़ोर, उसको अबला कहा जाता रहा है, दूसरे उसको जो संस्कार दिए गए हैं वो संस्कार ऐसे हैं कि उसकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए कोई, उसकी अपनी आवाज़, और वो एक तरह से उसको वस्तु के नज़रिए से देखा जाता है। वो मनुष्य है लेकिन बराबरी का दर्जा हमारा जो पुरुष समाज है, पुरुष सत्तावादी समाज है, वो उस स्त्री को अपने बराबर का दर्जा नहीं देना चाहता। ये एक वो हिस्सा है हमारे समाज का जिसको समाज की संस्कृति भी मानती आई है और गलत तरीके से उसको बढ़ावा देती रही है। चाहे वो हमारे पिछड़े हुए धार्मिक ब्राह्मणवादी संस्कार हों जिन्होंने स्त्रियों को कमज़ोर तबका मानकर हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और कमतर माना है उनको, ये हमारे समाज का एक सांस्कृतिक पक्ष है जिसके कारण भी ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरे जो वर्तमान हमारा जो समय है, इस वर्तमान समय की जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो विकास है उसके कुछ खास तरह के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, और इस सारे जो स्त्रियों पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है उनको वस्तु की तरह देखकर उनको अपने इस्तेमाल का माध्यम माना जा रहा है, पुरुष की जो विकृत मानसिकता है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन ये पुरुष की अपनी मानसिकता का सवाल तो है ही, लेकिन व्यवस्था के जो अपने लूपोल्स हैं, व्यवस्था की जो अपनी कमजोरियां हैं, क्योंकि व्यवस्था भी हमारी पुरुष सत्तावादी उसका एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, ताकतवर, तो उसमें आप ये देखिए कि आज का नौजवान किस लिए और क्यों, क्या उसको मिसगाइड जो हो रहा है, क्या परिवार या शिक्षा संस्थान या उसके अपनी संस्कारिता संस्कारशील जो है वो उसकी जो हमारी है वो तमाम चीज़ें हैं, या जो आधुनिक समय ने जो हमारे पूंजीवाद ने, जैसे मैं दो चीज़ों का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। माध्यम हमारे हाथों में जो आया है मोबाइल नाम का, और मोबाइल में भी वो जो आधुनिकतम उसकी तकनीक है, मैं नहीं जानता उतनी, लेकिन उसमें जो पोर्नोग्राफी का जो बहुत बड़ी भागीदारी है, जो हमारे मोबाइल में जो हर नौजवान हर किशोर के हाथों में चला गया है, उसमें जो पोर्नोग्राफिक का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा है वो, और दूसरे गली मोहल्लों में जो शराब की दुकानें मुक्त तौर पर खोल दी गई हैं, ये दो चीज़ें बहुत बड़ी हिस्सेदारी उसमें कर रही हैं। मुझे ये लगता है कि पीने के बाद और तमाम उस टेक्नोलॉजी के साथ अपनी अनार्की को, अपनी संवेदनहीनता को, अपनी बेरोज़गारी को, अपनी उद्विग्नता को, अपनी कहना चाहिए बहुत सारे जो कुसंस्कार हैं उनके चलते वो शराब उनको बढ़ावा देती है और पोर्नोग्राफी उनको उस तरफ प्रेरित करती है, ले जाती है, और वो किसी पर भी हमला करते हैं, ना उनके लिए किसी माँ का मतलब है, ना बहन का मतलब है, ना बेटी का मतलब है, जबकि हर परिवार में हर नौजवान के सामने माताएं और बहनें हमारे परिवार का बड़ा हिस्सा होती हैं, उसके बावजूद हम स्त्रियों को सिर्फ लोलुप दृष्टि से, काम वासना की दृष्टि से देख रहे हैं, और समाज में ये लगातार ये कोढ़, ये अराजकता लगातार बढ़ रही है। तो मेरी ये अपील है सरकार से भी और तमाम
प्रतिरोध करने वाले संगठनों से कि वो कम से कम इस मुद्दे को शामिल करें, शराब और मोबाइल ये जो है चैट, इसकी जो इसमें जो पोर्नोग्राफिक मामला है उसको बढ़ावा ना दिया जाए, उस पर चेक किया जाए, उसको रोक लगाई जाए। ये व्यवस्था कर पाएगी जनता? नहीं कर पाएगी। जनता उसमें शामिल हो गई है उस भ्रष्ट व्यवस्था के साथ, और तमाम लोग भटकाव के, हमारे नौजवान जिस तरह की हालात के शिकार हैं, उसमें उनको आसान मनोरंजन भी लगता है और अपनी कुंठाओं का परिहार भी परिष्कार लगता है। तो इसको ये सब बंद होना चाहिए, मेरी यही अपील है व्यवस्था के नियंताओं से। मैं मालीवाल जी के समर्थन में यहाँ बोल रहा हूँ, और उन बहुत बड़ा हुजूम है, बहुत बड़ी महिलाएं, बहुत तमाम तरह की महिलाएं रो रही हैं, गुस्से में हैं। इस गुस्से का कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव हल निकलना चाहिए। पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो आपने बोला है कि जो इंटरनेट है वो मोबाइल में हो गया है, तो सबके हाथों में हो रहा है। सरकारें जो हैदराबाद है उसको, जब चंद्रबाबू नायडू थे तो वहाँ पे उनको साइबराबाद बोलते हैं, साइबर सिटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हब बोल रहे हैं। क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं फेल हो गई? और जो सीसीटीवी का एक आजकल है कि सीसीटीवी से सारा मॉनिटरिंग हो सकती है, और जो हाईवेज हैं, हाईवेज भी आपके सुरक्षित नहीं है, जबकि हाईवे पेट्रोल है, टोल प्लाजा पे जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसको कहाँ लग रहा है? वो फर्स्ट एड नहीं है। मान लो महिला का स्कूटर का पंचर हुआ तो वहाँ पे उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए थी। निश्चित। तो हम लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा अनुभव है, कि अभी जो लोग इधर महिला जो आक्रोश है वो है कि हैंग द रेपिस्ट, फांसी लगाओ, फास्ट ट्रैक करो, लेकिन उसके अलावा जो आगे समाज में बच्चे हैं हमारे चाहने से, इंटरनेट अभी अनटिल अनलेस की इंटरनेट पर टोटल वर्ल्ड में सहमति नहीं बनेगी तो इंटरनेट तो रहेगा। अब जो टीवी सीरियल्स हैं वहाँ पे अलग अलग टीवी सीरियल पे ग्लोरिफिकेशन होता है, सिनेमा में ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन होता है, जिसमें उनको वास्तु की चीज़ समझी जाती है। तो आप आगे हमें थोड़ी सी क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे उसके लिए? आपने सवाल उठाया, साइबर सिटी है, और साइबर सिटी में ये हैदराबाद में जो काम हुआ है, या तमाम शहर ही साइबर सिटी है, अब कोई एक शहर नहीं है। और इस साइबर सिटी के जो नेगेटिविटी है, इसमें साइबर जो उद्योग तकनीक है उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी नेगेटिविटी से कैसे निपटा जाए, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए आगे चल के? तो मैं तो ये तो नहीं मानता कि उनको एक समाज में जो अराजकता है, यौन अराजकता है, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक तरह की अराजकता है, सामाजिक अराजकता है, और सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक और नैतिक अराजकता है ये एक तरह से। तो सवाल इस बात का है कि ये तो हम नहीं चाहते, इससे हमें आगे वाले जो युग है वो कैसे निपटेंगे इससे? हाँ, तो इस व्यवस्थाएं खराब होंगी आगे, इस अराजकता का अराजकता से जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। इस अराजकता को नियंत्रित करने की जरूरत है, और हमारी व्यवस्था का जो कानूनी और संवैधानिक उसके जिम्मेदारियाँ हैं, दायित्व हैं, उनके उनको जागृत और उनको मजबूत बनाने की जरूरत है। इस मामले में जैसा मैंने कहा कि ये जो हैंडसेट, आपने कहा कि ये नियंत्रित नहीं हो सकता है, लेकिन उसके वो हिस्से नियंत्रित कर देने चाहिए जो हिस्से हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, माँ बहनों की कोई पहचान जिनको नहीं रह गई है उसमें ये हिस्सेदारी कर रहे हैं। बहुत सारे टीवी पर शो आते हैं, अभी वो चलता रहता है, बिग बॉस आता रहता है, बिग बॉस में कौन सी नंगई, वो नेगेटिविटी है वहाँ, वो स्त्रियों के प्रति जो उसका उपभोक्तावादी जो नजरिया है, सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया, और समाज के जो ठेकेदार हैं, जी हाँ, उसपे वो उसपे कानून बनाए तो कानून दिखाए, यस बिल्कुल। हाँ। तो ये मैं इसमें कंटेंट कंट्रोल होना जरूरी है, कंटेंट कंट्रोल होना जरूरी है, उसकी फिल्मांकन जिस तरह से होता है, जिस उत्तेजना को जगाने वाला तरीका होता है। महिलाओं से बात कर रहा था कि सोनी टीवी पे मान लीजिए या कोई भी चैनल पे, स्टार प्लस है, कोई भी क्राइम पेट्रोल साउथर्न इंडिया, तो उसमें जो क्राइम दिखा रहे हैं उससे लोगों को आइडिया मिलता है, आइडिया मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्राइम करने का और उससे कैसे बचा जाए कि वो पीछे कैसे कर रहा था। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोग जानना चाह रहे थे कि क्या आप लोग हम लोग की बातों से सहमत है? आपकी बातों से हम सहमत हैं, और इसमें कोई अराजकता को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं, जैसी बहुत सारी बहनें हमारी कह रही हैं कि ये किया जाए, है ना,
जय बहादुर जी ने भी कहा था, लेकिन ये गुस्सा है, ये गुस्सा है, ये मानसिकता नहीं है, ये महिलाओं की मानसिकता नहीं है, ये गुस्सा है, ये बेचारगी है। जब बेचारगी होती है कि क्या करें, कुछ नहीं हो पा रहा है, हाय ये तो बढ़ता चला जा रहा है, तो इस तरह की फाइटिंग स्पिरिट जो है आपके सामने एक माहौल होना चाहिए, हाँ बनना चाहिए। धन्यवाद। तो ये सब है।